हेलो दोस्तों, इजी फूड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल से बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता, जो बहुत ही हेल्दी है। दो बूंद तेल से ये बनकर तैयार हो जाता है। ये समझ लीजिए इडली और ढोकले का ही एक वर्जन है, उससे ही मिलती जुलती रेसिपी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं फिर ये मूंग दाल का बढ़िया सा नाश्ता। मैंने 3/4 कप पीली मूंग दाल ली थी, जिसे हम स्प्लिट मूंग दाल भी बोलते हैं। वजन में ये 200 से 225 ग्राम थी। इसको मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, तो 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे 3 से 4 बार साफ पानी से वॉश करूंगी और छलनी में निकाल लूंगी। तो मैंने छलनी में दाल को डाल लिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डालूंगी और इसका स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, पर मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। और मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी। पानी कम से कम डालें, हमें इसका बारीक पतला पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये देखिए, स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो मैं डाल रही हूँ 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक कम ही रखें, क्योंकि आगे भी नमक जाएगा। अब हम इसको अच्छे से 2 मिनट फेंटेंगे, अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे लगातार 2 मिनट तक, जिससे कि क्या होगा, बैटर काफ़ी फ्लफी हो जाएगा और जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर गाइस, मुझे फेंटते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं बैटर काफ़ी फ्लफी हो गया है। तो अब मैंने ली है 3 कटोरी, जिसमें हम इस नाश्ते को बनाएंगे। तो ऑयल से हम अपनी कटोरियों को ग्रीस कर लेंगे। तो ये स्टेप आप पहले ही करके रख लीजिए। और देख सकते हैं, मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला था। पानी डालकर हम इसको प्री हीट करेंगे। तो मैं इसको ढक रही हूँ और 5 से 6 मिनट हम इसको प्री हीट करेंगे। एक बार फिर से अपने बैटर को मिक्स कर लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इनो। ये 1 टीस्पून इनो है, जिससे जो हमारा नाश्ता है बहुत ज़्यादा फ्लफी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। आप इनो नहीं डाल रहे हैं तो आधा चम्मच आप मीठा सोडा डाल लीजिए और उस पे 1 चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए, तो वो भी आप डालकर इसे बना सकते हैं, पर मैं इनो का यूज़ कर रही हूँ। इनो डालने के बाद हमें एक बार मिक्स करना है अच्छे से, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। इसलिए जब भी इनो डालें वो लास्ट में डालें। ये देखिए कितना झाग बन रहा है, बैटर हमारा और ज़्यादा फ्लफी हो चुका है। तो अब देरी नहीं करेंगे, फटाफट से जो बैटर है वो हम कटोरियों में डालेंगे, जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। और आधी कटोरियाँ भरेंगे, पूरी नहीं भरेंगे, क्योंकि जब ये फ्लफी होकर ऊपर आएगा तो ये कटोरी से बाहर भी निकल सकता है। तो दोस्तों, आधी कटोरी ही हमने भरना है। अच्छे से एक बार टैप कर लेंगे, टैप करने से बबल्स नहीं रहते। तो तीनों कटोरियों में बैटर आ चुका है। तो चलिए अब हम गैस पर चलते हैं। और यहाँ पर जो पानी है वो भी प्री हीट हो चुका है। तो मैं अब इसमें एक कोई भी लीड रख रही हूँ, आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। मैंने एक बर्तन है उसकी लीड रखी है और ऐसे एक प्लेट रखी है। मतलब सेटिंग हो जानी चाहिए इस तरह से कि जो भाप है वो बाहर ना जाए और प्रॉपर फिट हो जाए। तो ये देखिए, ये प्रॉपर फिट हो चुका है अच्छे से, जो हमारा कढ़ाई है और हमारी लिड है। अब हम 7-8 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको चेक कर रही हूँ। आप टूथपिक से या नाइफ से इंसर्ट करके देख लीजिए, बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। तो इसका मतलब हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे अभी हम डीमोल्ड नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करेंगे। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बाहर आया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है।
जैसे हम इडली को करते हैं, ढोकले को करते हैं, सेम उसी तरह से। और देखने में भी ये कुछ कुछ वैसा ही है ना, लेकिन हल्का फुल्का सा है, ना इसमें तेल है ना इसमें खटाई है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, हल्की फुल्की भूख में खाने वाला नाश्ता है, और इसे खाकर आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अब मैं इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अब हम इसे मसाले में कोट करेंगे, और ये इतनी मोटी बनी है कि अगर मैं इसी तरह से इसको कोट करूँगी तो सारा मसाला अच्छे से इस पर कोट नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसलिए इसके दो टुकड़े कर दिए हैं। वैसे आपकी च्वाइस है आप किस तरह से इसको काटें, आप किसी भी तरह से इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए तीन की मैंने छः पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। अब चलिए इस पर तड़का लगाते हैं। तो मैंने एक पैन रखा है जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, गैस को मीडियम रखेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को क्रैकल होने देंगे। 10 से 12 पत्ते डालेंगे कड़ी लीव्स के। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से चीरा लगाया है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, हैं तो डाल लीजिए वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, जैसे कि पहले भी मैंने नमक ऐड किया था ना, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 जगह नमक जाएगा, तो आप हिसाब से ऐड कर लें। अब जो हमने ये नाश्ता बनाया है इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से सारा मसाला इस पर कोट कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे और घुमा घुमा कर, जिससे कि सारा मसाला हमारे नाश्ते पर अच्छे से चिपक जाए। बस दोस्तों अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारा ये नाश्ता बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे टी टाइम या कभी भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रहता है और उसमें तेल भी नहीं होता, बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।